अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतो। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 ही है। उसमें हम लोग जो ब्लड वेसल्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने आर्टरीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी स्नेल में थी वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी उस लेक्चर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। अच्छा, उसके अलावा मेरी पोस्ट चेक कीजिएगा, वहां पे मैंने आर्टरीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पोस्ट कर दी हैं, जो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जब भी आर्टरीज पे एक शॉर्ट ऐसे आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप वो लिख सकें। ठीक है, इसके अलावा आगे चल के मैं आर्टरीज एंड वेन के डिफरेंसेस भी आप लोगों को करवाऊंगी, तो वो भी अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टरीज एंड वेन्स के आपके पास जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। सो कॉमनली मैं अगर कहूं तो ब्लड वेसल्स का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज तो आते ही हैं, बट इससे रिलेटेड जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी किया जा सकता है। सो अब हम वेन्स को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर मैं पिछले जो लेक्चर था ब्लड वेसल्स का उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा लूं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स में बारे में हमने कहा था कि ये ऐसे पाथवेज होते हैं, ठीक है, ऐसे मीन्स कि आप समझ लें कि लाइक अगर सिंपल वर्ड में एक मैं कहूं, एक सिंपल जो है वो क्लोज नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसमें हमारे पास जो है आर्टरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं एंड वेन्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बेसिकली अगर कहें तो, एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जिनके थ्रू जो है हमारे पास जो मीडियम जो ब्लड है, ठीक है, वो एज ए मीडियम काम करता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की और गैसेस की जो है वो एक्सचेंज करवाता है और उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है जहां पे भी सेल को उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो ये ब्लड वेसल्स जो है बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसे हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं या वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आर्टरीज के बारे में डिस्कशन की थी कि आर्टरीज क्या थी। आर्टरीज हमारे पास ऐसी ब्लड वेसल्स थी जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही थी, मींस के ब्लड जो है वो आर्टरीज में कैसे मूव करता है अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, उसके अलावा हमने उसके बारे में पढ़ा था कि उनका जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास जो आर्टरीज हैं बेसिकली वो थिक होती हैं। उसके अलावा उनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और उनके अंदर कोई जो है वो वेल नहीं होता, उनका ल्यूमेन स्मॉल होता है। अच्छा, ल्यूमेन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, तो ल्यूमेन हम किसे कहते हैं? देखो, ब्लड वेसल्स के अंदर लाइक ब्लड वेसल्स में हमारे पास क्या आ जाती है, कैपिलरीज आ जाती हैं, आर्टरीज आ जाती हैं एंड वेन्स आ जाती हैं। उनके जो इनसाइड का जो समझने की स्पेस होता है, इनसाइड द आर्टरीज जो हमारे पास स्पेस होगा उसे हम लोग ल्यूमेन कहेंगे। सो ल्यूमेन क्या होता है, हमारे पास वो स्पेस होता है जो उस ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, सो आर्टरीज का ल्यूमेन जो है वो स्मॉल होता है, उनके अंदर कोई वेल्स नहीं होते, रिपीटेड ब्रांचेज होती हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर मतलब जो प्रेशर होता है हमारे पास ब्लड का वो हाई होता है आर्टरीज के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज की थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि इलास्टिक एंड मस्कुलर टाइप की हमारे पास आर्टरीज मिलती हैं। ठीक है, इलास्टिक में हमने ओटा आर्टरी पढ़ी थी और उसकी ब्रांचेज, मस्कुलर में हमने रेनर, टेस्टिकुलर और टिबियल आर्टरीज वगैरह पढ़ी थी। उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो डायमीटर की बात की थी कि हमारे पास जो स्मॉलर आर्टरीज होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं आर्टरियोल्स कहते हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 0.1 मिलीमीटर होता है। तो और उसके अलावा हम लोगों ने एनाटॉमिक एंड आर्टरीज पढ़ी थी एंड फंक्शनल एंड आर्टरीज के बारे में भी पढ़ा था, उनकी डायग्राम भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो बेसिकली फंक्शनल एंड आर्टरीज होती हैं उनकी जो टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं वो आपस में एनास्मोसिस करती हैं, लेकिन जो एनाटॉमिकल एंड आर्टरीज होती हैं उनकी जो है आपस में एनास्मोसिस नहीं होती। तो ये सारी चीजें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्टरीज से रिलेटेड, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी ताकि आप लोगों का एक माइंड बन जाए। ठीक है, सो ये सब कुछ हम लोगों ने जो है यहां से डिस्कस कर लिया था आर्टरीज वगैरह के बारे में, यहां तक हो चुका था। अब हम वेन्स की बात करते हैं कि वेन्स में बेसिकली क्या बात की गई है। ठीक है, वेन्स का मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को जो यहां पे लिखा गया है वो जरूर बताऊंगी, उसके अलावा भी मैं कुछ पॉइंट नोट करूंगी, आप लोगों को नोट करवाऊंगी, तो वो भी अपने पास जो है वो लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो सके। अच्छा, इन पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं वेन्स के बारे में आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि वेन्स होती क्या है। बेसिकली वेन ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को बैक टू द हार्ट। ठीक है, मींस ये दूसरे पार्ट से लेके उन्हें हार्ट तक पहुंचाती हैं। वो हमारे पास कौन सी क्या ब्लड वेसल कहलाती है, वो हमारे पास वेन्स कहलाती हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेन्स आर वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड बैक टू द हार्ट। ठीक है, मेनी ऑफ देम पोजेसेस वॉल्स। अच्छा, यहां पे देखो ये बात की जा रही है इस पैराग्राफ में कि वेन्स क्या होती हैं, ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करवाती हैं ब्लड को हार्ट की तरफ। ठीक है,
मैनी ऑफ देम पोजेसेस वेल्स, इनमें से काफी के में जो है हमें वेल्स मिलते हैं. मोस्टली द स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूज, जो स्मॉल वेन्स होती हैं उन्हें हमें वेन्यूज कहते हैं. जैसे सबसे स्मॉल आर्टरीज थी उन्हें हम लोग आर्टरियोज कह रहे थे. इस तरीके से जो स्मॉलेस्ट वेन्स होती हैं उन्हें हम लोग वेन्यूज कहते हैं. द स्मॉलर वेन्स और ट्राइब्यूटरीज यूनाइट टू फॉर्म लार्जर वेन विच कॉमनली ज्वाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म वीनस फ्लेक्सर. अच्छा, स्मॉलर वेन्स जो होती हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो आपस में मिलकर एक लार्ज वेन फॉर्म करती हैं, जो कि कॉमनली क्या होता है, एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं और वीनस फ्लेक्सर बनाती हैं. ठीक है, ये क्या बनाती हैं, आपस में बहुत सारी वेन्स मिलकर एक वीनस फ्लेक्सर बनाती हैं. मीडियम साइज डीप आर्टरीज आर ऑफन अकम्पनाइड बाय टू वेन्स ऑन वन ऑन ईस्ट साइड कॉल्ड विनय कमिटेंस. अच्छा, विनय कमिटेंस क्या होता है कि मीन्स कि एक वेन होती है. ठीक है, एक वेन होती है. अब मीडियम साइज जो आर्टरीज होती है ना वो क्या करती हैं, दो वेन्स के साथ, मीन्स के दो वेन्स के साथ अगर हमारे पास एक डीप मीडियम साइज जो आर्टरीज हैं वो जब उसके साथ मिलती हैं ईस्ट साइड पे. ठीक है, सो जब मीन्स के एक बीच में हमें आर्टरी मिलेगी, उनके दोनों साइड पे हमें क्या मिलेंगी, वेन्स मिलेंगी इन साइड पे, तो उन्हें हम लोग वेना कम्युनिटेंस कहते हैं. ठीक है, वो मीन्स के वहां पे ब्लड का इस तरीके से फ्लो करवा रहे होते हैं कि वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बने हुए होते हैं कि एक आर्टरी मूव करी होती है, वेन आर्टरी होती है और उसके इर्द गिर्द हमें क्या मिली होती है, वेन्स मिली होती है, तो उन्हें वेना कम्युनिटेंस कहते हैं. वेन्स लीविंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डू नॉट गो डायरेक्टली टू द हार्ट बट कन्वर्ज ऑन द पोर्टल वेन. अच्छा, This vein enters the liver and breaks up again into the veins of the diamond size which ultimately join capillary like vessels termed sinusoids in the liver. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारे पास पोर्टल सिस्टम कहलाता है. और ये पोर्टल सिस्टम आपको मिलेगा बॉडी में, तीन टाइप के पोर्टल सिस्टम मिलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम और हमारे पास रीनल पोर्टल सिस्टम होता है. वो जब अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे, जब लिवर के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझाया जाएगा, जब आप जो है वो रीनल पढ़ेंगे, जब किडनी के बारे में पढ़ेंगे सिस्टम तो वहां पे बताया जाएगा, और जब एंडोक्राइन बनेंगे तो उसमें भी आपको बताया जाएगा हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. सो यहां पे वेन्स का ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखिएगा. वेन्स जो कि जीआईटी ट्रैक को लीव कर रही होती है ना, वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ नहीं जाती, बल्कि वो एक पोर्टल वेन में जाती है, बट कन्वर्ट ऑन दी पोर्टल वेन में कन्वर्ट हो जाती है. और ये वेन जो है वो फिर लिवर में जाती है और फिर वहां पे अगेन ये ब्रेकअप हो जाती है. ठीक है, अपने डायमंड साइज के अंदर, जो कि अल्टीमेटली ज्वाइन करता है कैपिलरी लाइक वेसल्स को, जिन्हें साइनोसाइट्स कहते हैं. अच्छा, ये क्या, ये हमारे पास पोर्टल सिस्टम कहलाता है. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ पोर्टल सिस्टम इज थस अ सिस्टम ऑफ वेसल्स इंटरपोज बिटवीन टू कैपिलरी बेड्स. के ये हमारे पास एक पोर्टल सिस्टम कहलाता है, जो क्या होता है, जो वेसल्स, मतलब एक ऐसा वेसल्स का सिस्टम होता है जो दो कैपिलरी बेड्स के दरमियान से गुजरता है. देखो यहाँ पे सिंपल हमें पोर्टल सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, लिवर के अंदर जो हमारे पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल कर दूं तो सिंपली कह सकते हैं, अगर मैं अपनी वर्डिंग में इस पैराग्राफ को सिंपली आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे पोर्टल सिस्टम की बात की गई, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है वो दो सेट ऑफ कैपिलरीज से पास होता है. किस तरीके से, सबसे पहले जो कैपिलरीज है ना, ठीक है, जो गट से आई हैं, ठीक है, जिन्होंने ड्रेन किया है ब्लड गट से, ठीक है, वो कैपिलरीज पहले यूनाइट होती है और एक लार्जर वेन बनाती है, जिसे हम लोगों ने पोर्टल वेन कहा. अब क्या होता है, ये लार्ज वेन गट से जो यूनाइट हुई थी, ठीक है, गट से जो यूनाइट हुई थी और जिसने पोर्टल वेन बनाई थी, अब ये पोर्टल वेन लिवर में जाएगी और लिवर में ये पोर्टल वेन क्या होगी, ब्रेकअप हो जाएगी कैपिलरीज में. ठीक है, किसमें, कैपिलरीज में उसने ब्रेकअप हो गई. अब कैपिलरी में ब्रेकअप होने के बाद वहां पे जब कैपिलरीज के फॉर्म में वो आ जाएगी तो लिवर के जो भी एरियाज होंगे उनको सप्लाई करेगी. ठीक है, और फिर ये अगेन रीयूनाइट हो जाएगी लार्ज हेपेटिक वेन बनाने में, जो कि फिर इन्फीरियर वेना कावा में चली जाएगी. सो ये पूरा हमारे पास क्या कहलाता है, पोर्टल वेन सिस्टम. यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ना, ये पोर्टल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, पोर्टल सिस्टम बेसिकली होता क्या, पोर्टल सिस्टम इस तरीके से होता है कि सबसे पहले कैपिलरीज होती हैं, वो मिलकर फिर एक वेन बनाती हैं, फिर वो उस ऑर्गन में पहुंचती हैं, दोबारा से कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और फिर मेन ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, मेन पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो दोबारा से एक वेन में चली जाती हैं. तो सिंपली अगर करूं तो ये एक ब्लड होता है जो कि दो
सेट्स ऑफ कैपरीज से जो है पास हो रहा होता है उसे हम लोग पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे मीन्स के जब आप लोग हेपेटिक रीनल सिस्टम करेंगे और उसके अलावा हेपेटिक सिस्टम करेंगे और रीनल सिस्टम करेंगे तो वहां पे आप लोगों को दोबारा से ये बात गाइड की जाएगी, वहां में डिटेल से बात की जाएगी, ठीक है। सिर्फ अभी फिलहाल आप लोगों को पोर्टल सिस्टम की डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक ऐसा मींस के सेट होता है जो दो कैपिलरीज का सेट होता है जहां से ब्लड पास हो रहा होता है, ठीक है, उसे हम लोग पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजियर भी कर लेती हूं, मैं आपको ना लिखवा भी लेती हूं। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूं ना, ये पोर्टल सिस्टम है, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है जिसकी बात जो है स्नेल ने अभी आपसे जो की ना, उस पैराग्राफ को आप ये अपने पास ना नोट डाउन करें, व्हाट इज अ पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जिसकी अभी यहां पे डिस्कशन की गई हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। सो यहां पे एग्जांपल भी हम लोगों ने लिवर की ही दी है, हेपेटिक की ही दी है। सो ये आप लोग नोट डाउन कर लें, कोई भी आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के पोर्टल सिस्टम होते हैं तो आप कहेंगे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। और अगर आप लोग अभी बिगनर हो, ठीक है, आप लोगों ने लिवर वगैरह रीनल अभी तक नहीं किया, एंडो नहीं किया, ऑब्वियसली क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हो, तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि हमने स्नेल चैप्टर नंबर 1 में एग्जांपल दी गई है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। क्या दी गई है? द ब्लड इज पासिंग टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज के, इसमें जो है पोर्टल सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो दो कैपिलरी सिस्टम से पास हो रहा होता है। कैपिलरीज आर ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम गट, कैपिलरीज जो है वो ब्लड कहां से ड्रेन करती है, गट से। कैपिलरीज यूनाइट टूगेदर एंड फॉर्म लार्जर वेन, और फिर ये कैपिलरीज यूनाइट होती हैं और लार्ज वेन बनाती हैं। लार्जर वेन्स फ्रॉम गट यूनाइट एंड फॉर्म पोर्टल वेन, फिर ये जो लार्जर वेन्स हमें कहां से मिली, गट से मिली, वो यूनाइट हुई, उन्होंने पोर्टल वेन बनाई। पोर्टल वेन ओपन इन टू लिवर, पोर्टल वेन लिवर में ओपन हुई, एंड पोर्टल वेन अगेन ब्रेक्स अप इन टू द कैपिलरीज, अब पोर्टल वेन दोबारा से कैपिलरीज में क्या हो गई, ब्रेकअप हो गई। विच आर सप्लाइड द सप्लाइंग द लिवर, अच्छा वो फिर सप्लाई करेंगे लिवर के जिन ऑर्गन को उनको सप्लाई करना होता है, एंड अगेन री यूनाइट टू फॉर्म लार्ज हेपेटिक वेन, और फिर अगेन वो री यूनाइट हो जाएंगे और लार्ज हेपेटिक वेन बनाएंगी, विच ड्रेन इनटू द इन्फीरियर वेना कावा, और जो फिर ड्रेन करेगा इन्फीरियर वेना कावा में, ठीक है। सो इस तरीके से इसके थ्रू जो है वो हार्ट तक ब्लड पहुंच गया, ठीक है। ये पोर्टल सिस्टम कहलाता है जो दो कैपिलरी सिस्टम होता है, पहले कैपिलरीज होती है, फिर वो वेन बनती है, फिर दोबारा से वो कैपिलरीज में डिवाइड होती है एंड देन वेन बन जाती है। तो इस तरीके से ये एक पोर्टल सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के आप जब भी पढ़ेंगे तो आपसे लिवर का पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, आगे एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा जाता है। अभी तो इनिशियली ये पॉइंट्स हैं, सो यहां पे मैं आप लोगों को नोट करवा रही हूं ताकि आप लोगों को अभी से ही पता चल जाए ये जो टर्मिनोलॉजीज यहां पे स्टार्ट की गई हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। सो अब आई गेस आप लोगों का ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है ये आप लोगों का इजी हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये पोर्टल सिस्टम की मैं पोस्ट भी डाल दूंगी तो आप पोस्ट देख लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर भी मैं ये लिख लूंगी पूरा, ताकि आप लोग ये जो पोस्ट, ये जो व्हाट इज पोर्टल सिस्टम, इससे रिलेटेड मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगी तो आप वो भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोग फिर इसे अपने पास नोट डाउन कर लें। अभी भी आप स्क्रीन शॉट निकाल लें और अपने पास लिख लीजिएगा। मैं कहती हूँ कि स्नेल के इसी पॉइंट में ना, यहां पे ये पैराग्राफ जो आपके पास लिखा हुआ है ना, यहां पे आप लोग जो है वो आराम से यहां पे व्हाट इज पोर्टल सिस्टम यहां पे लिख लें, अपने पास यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा पोर्टल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सो यहां तक हमारे पास जो है वो आपको बताया गया था, यहां से कैपिलरीज के पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास वेन्स के बारे में बात आप लोगों से की गई है, लेकिन वेन्स के बारे में इतनी सी बात इनफ नहीं है, ठीक है। अभी भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेन्स से रिलेटेड डिस्कस करनी है, सो वो मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करवाऊंगी, वो पॉइंट अपने पास लिख लें ताकि वेन से रिलेटेड जो है वो आप लोगों की सारी क्यूरीज जो है वो आपकी सॉल्व हो जाए। और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम आप एडिशनल पॉइंट भी ऐड किया करें, तो इस वजह से पॉइंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, नोट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली मेरे पास बुक की कलेक्शन भी बहुत है, क्योंकि हम लोग इन तमाम ईयर से गुजर के आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास नॉलेज और स्टफ मटेरियल हर जगह से हमारे पास होगा, लेकिन मैं उन्हीं चीजों को आपको अभी पहुंचाती हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो, आपका एग्जाम भी निकल जाए और आपको बातें समझ भी आ जाएं, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिएगा कि आपके कोई पॉइंट रह जाएगा, लेकिन बुक रीडिंग मैं इस वजह से करवाती हूं क्योंकि बुक रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आज हम भी इन्हीं बुक्स को रीड करके यहां पे पहुंचे हैं, इतनी सारी चीजें जो हमारे पास नॉलेज है वो सारी चीजें इन्हीं से आई हैं, ठीक है। सो आप लेक्चर को बार बार सुना करें। अब मैं वेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आप लोगों से डिस्कस कर रही हूं, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा उनसे रिलेटेड मैं पोस्ट भी डाल लूंगी ताकि आप लोग इजिली जो है वो पॉइंट अपने पास नोट कर सके। सो सबसे पहले आपको इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट दिए इनका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, ठीक है।
ये आप लोगों को जब ऐसे आए तो उसमें आपने लिखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। सबसे पहले वेन्स की डेफिनेशन कि वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है उन्हें हम लोग वेन्स कहते हैं। ठीक है, दे हैव वन वे वॉल्व विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स। अच्छा, इनके अंदर वेल्स पाए जाते हैं, वन वे वेल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड को दोबारा बैक करने से, मींस के जहां से ब्लड आया आप दोबारा से वहां पे बैक नहीं कर सकते। ठीक है, वन वे फ्लो में उसे लेके जाना है ताकि ब्लड जो है वो बैक ना मूव कर सके। दे कैरी ब्लड दैट इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज डी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन प्योर, ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है इसके अंदर। हमारे पास जो वेन्स हैं उनके अंदर हमारे पास ऑब्वियसली आपको पता होगा कि डी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और जो आर्टरीज थी उनके अंदर हमारे पास क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ये चीज जरूर याद करिएगा कि ब्लड वेसल्स दैट कैरी, ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, जो आपको आनी चाहिए, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। ये आपको डेफिनेशन आपने लिखनी है, यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग डाल के आप ये लिखेंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग डालेंगे कि इनके अंदर हमारे पास वेल्स पाए जाते हैं जो कि वन वे होते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लोइंग ऑफ दी ब्लड की। ठीक है, उसके बाद हमें ये पॉइंट भी आपने लिखना है कि इसके अंदर हमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है जो कि पुअर, सॉरी, जो कि हमारे पास क्या ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। ठीक है, सो ये आप लोग जो है वेन्स से रिलेटेड अपने पास ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ क्योंकि वेन्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड आ सकते हैं पॉइंट्स। अच्छा, इसके अलावा ये करेक्टरिस्टिक्स है वेन के, इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा मैं पोस्ट तो डाल ही दूंगी लेकिन अभी आप लोग स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें। ठीक है, देखें ये करेक्टरिस्टिक्स हैं वेन्स के जो आप लोगों को आने चाहिए। थिन वॉल्व, इनके अंदर इनकी जो वॉल्व होती हैं वो थिन होती हैं, आर्टरीज की वॉल्व ऑब्वियसली थिक थी तो इनकी थिन है। हैव इररेगुलर लूमेन, इनका जो इररेगुलर लूमेन होता है कहीं से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होगा, कहीं से थोड़ा स्पेस कम होगा। इनसाइड दी हमारे पास जो वेन्स स्पेस होता है वो, तो इनका इररेगुलर लूमेन होता है। आई होप कि अब लूमेन को आपको समझ आ गया होगा कि लूमेन होता क्या है। हैव वेल्स, इनके अंदर वेल्स होते हैं, डेड स्पेस अराउंड इट और डेड स्पेसेस भी होते हैं इनके अराउंड। अच्छा, टाइप्स में क्या आ जाती हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। ठीक है, और इनकी जो टाइप्स आ जाती हैं वो क्या आ जाती हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो ये अब करेक्टरिस्टिक्स जो है अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये जब भी आपके पास कुछ भी लिखने के लिए आए, वेन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आपका लिखने के लिए आता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आपको क्या चीज लिखनी है और किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लेंगे तो इजीली आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है आपका डेड स्पेसेस अराउंड, इनका क्या मतलब है, देखो लार्ज वेन्स के अराउंड ना हमें डेड स्पेसेस मिलती हैं। उन डेड स्पेसेस का क्या होता है, वो ऐसी स्पेसेस होती हैं जो कि डायलेशन में हेल्प करती हैं कि जब भी हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो उस वक्त इंक्रीज हो रहा होता है तो वो डायलेशन में उन्हें हेल्प करती है क्योंकि वो स्पेसेस उनके अराउंड होते हैं तो वो इजिली जो है वेन्स डायलेट हो सकती है। ठीक है, ये अच्छा जो डेड स्पेसेस होती है उनके अंदर रीजनली लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, बेसिकली लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम भी दिखा दूंगी, लाइक इसमें आप लोग देख लें। ठीक है, ये हमारे पास, आप ये फोकस ना करें कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बस आप ये देखें रेड कलर में हमारे पास यहाँ पे आर्टरी मिल रही है, ये फिमोरल आर्टरी है और ये फिमोरल वेन है। अब ये वेन है, ठीक है, इसके अराउंड यहाँ पे देखें थोड़ा सा खाली स्पेस है, ये स्पेस डेड स्पेस कहलाता है। यहाँ पे देखिये लिम्फ नोड्स है, फिमोरल कलर विद लिम्फ नोड्स, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, लिम्फ नोड्स मिल रहा है। सो ये डेड स्पेसेस क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसको ज्यादा मिल जाएगा, ये देखो बिल्कुल अटैच हुआ हुआ यहाँ पे आर्टरी के साथ, बिल्कुल ये चीज अटैच है लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा स्पेस दिया गया ताकि जब वीनस ब्लड फ्लो जब बढ़ता है तो फिर वो जो है वो इजिली डायलेट हो सकती हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट आप करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का इजी हो सके और आप लोग जो है वो इजिली वेन्स को कवर कर सके। अच्छा, स्नेल में एक और बात की गई थी कि कुछ ऐसी वेन्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास वेल्स नहीं होते, तो वो मैं आप लोगों को सिर्फ एडिशनल पॉइंट आपको बता रही हूँ, अगर आप ये लोग लिख भी लेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी नोट कीजिएगा कि वेन्स विदाउट वेल्स है कि वो कौन सी वेन है जिनके अंदर वेल्स नहीं होते, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा में नहीं होते, हेपेटिक रीनल वेन में नहीं होते, यूट्राइन वेन, ओवरियन की वेन, ओवरियन नॉट टेस्टिकुलर, ओवरियन में भी नहीं होते, फेशियल वेन्स में भी हमें वेल्स नहीं मिलते, पल्मोनरी में नहीं मिलते, अम्बिलिकल वेन में नहीं मिलते, इमल्सरी वेन्स जो है वो आप लोग जब हेड नेक वगैरह करेंगे तो उसे उसमें आपको मिलेगा, स्कल में तो वहां पे भी हमें नहीं मिलती, पोर्टल वेन्स जो के हमारे पास किसमें
लेस देन 2 मिलीमीटर, तो उनके अंदर भी नहीं मिलते हमें। तो ये हमारे पास वो वेन्स हैं जिनके अंदर हमें वेल्व्स नहीं मिलते। तो अगर ऐसे भी पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ये भी ऐड कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा कुछ और आपके पास जो है वो वेन्स के मैं पॉइंट बता देती हूँ। वेन्स विदाउट मस्कुलर टिश्यू, वो वेन्स जिनके अंदर मस्कुलर टिश्यू नहीं होते, ठीक है, डोरल वेनस साइनसिस में हमें मिलती हैं। ये आप जब साइनसिस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग जब हेड एंड नेक पढ़ाया जाएगा तो उसमें साइनसिस पढ़ाए जाते हैं, तो वहां पर ये डिस्कस होगा। अभी सिर्फ आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूं मैं। अच्छा, पीएल वेन्स होती है, रेटिनल वेन्स होती है, वेन्स ऑफ इरेक्टोराइल टिश्यू, ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड वेन्स ऑफ द स्पंजी बोन्स, इनके अंदर हमें मस्कुलर टिश्यू नहीं मिलते। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो ना लिख लें, इसमें कोई आपके लिए इश्यू नहीं है। बट थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को ऐसा कि आपका एसे जो है वो अच्छा रहे, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सही रहे, उसमें आपको मार्क्स मिले, तो इस वजह से मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, और स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कहते हैं कि मैम स्नैर के साथ भी कुछ और ऐड किया करें, उनके लिए, ठीक है। अदरवाइज जितना स्नैर मिल था वो आप लोगों के लिए इनफ था। सो आई होप कि अब वेन्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल में वेन्स के बारे में पढ़ना है या अभी भी कोई कंफ्यूजन रहती है उनके माइंड में, सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग जो है वो मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्नेल के साथ साथ अगर आप लोग जर्नल एनाटॉमी शॉर्ट बुक जो है वो भी आप लोग अपनी पढ़ लेते हैं, सो उससे भी आप लोगों को जो है वो बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। कि वो बच्चे जो एडिशनल पढ़ना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो वेन्स का टॉपिक जो है स्नेल से तो मैंने कवर कर लिया है, पूरा जितना भी स्नेल में लिखा गया था वो कवर कर लिया, उसके अलावा मेन पॉइंट्स भी बता दी हैं। उसके अलावा आपको जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक चैप्टर मिलेगा, जो हमारे पास जर्नल एनाटॉमी ऑफ जो BD84 की जर्नल एनाटॉमी थी उसके अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम्स के लिहाज से, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आर्टरीज के बारे में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, लाइक एरी आर्टरीज के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्टरीज सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, सर्कुलेशन के बारे में भी है, ठीक है। और यहां पे पोर्टल सिस्टम को भी समझाने की कोशिश की थी, ये आर्टरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन इसमें काफी लेंदी है, ये हर चीज हमें नहीं पढ़नी होती क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको याद भी नहीं रहती, तो मेन में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो यहां से भी आप लोग अगर करना चाहें, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टरीज का टॉपिक हो गया, उसके बाद ये वेन्स का टॉपिक था, ठीक है, वेन्स के बारे में भी यहां पे सब कुछ बताया गया है, ठीक है। ये वेन्स के बारे में भी आपको यहां पे बहुत सारी जो है वो गाइडेंस दी गई है, आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स वगैरह और उसके अलावा ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द वेन्स वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये अप टू यू है कि जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, जो नहीं करना चाहे, और फैक्टर जो वीनस रिटेन में हेल्प करते हैं ये यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक रीड दे दीजिएगा क्योंकि ये फिजियो का कॉन्सेप्ट होता है, जो फिजियो वाले आपको कवर करवाते हैं उस चैप्टर में, ठीक है। और उसके बाद कैपिलरीज हम लोग जो कवर करेंगे, सो आप लोग ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, इस मींस के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जो है वो वेन्स आर्टरीज कैपिलरीज के लिए आप लोग ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर है जर्नल एनाटॉमी, ये जो जर्नल एनाटॉमी ऑफ BD84 इसमें जो दिया गया आप ये पढ़ लें एक बार, ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो अगर आप स्नेल पढ़ते हैं और उसके साथ ये चैप्टर पढ़ते हैं और नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, प्रिपेयर कर लेते हैं और जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं अगर वो भी लिख लेते हैं तो इनफ हो जाता है, तो ये टॉपिक आपका जो है वो ईजी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा